हेलो सामकम दोस्तों तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन समझने जा रहे हैं कि किस तरह सॉल्व होगा ठीक है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आसिफ मेहर एंड हसन वर पार्टनर्स इन बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ ट्वेंटी थि and 30% परसेंट रिस्पेक्टिवली बैलेंस ऑफ their फॉर्म ऑन December थर्टी 2014 टू थाउजेंड under. टू डर ठीक है अब ये आसिफ महर और हसन जो है वो एक पार्टनर से हैं बिजनेस में जो कि प्रॉफिट और लॉस जो है वो कुछ इस रेशियो के हिसाब से शेयर करते हैं कि ट्वेंटी फाइव परसेंट जो है वो आसफ का रेशियो है फोर्टी परसेंट मज़हर का रेशियो है और हसन का हिस्सा जो है परसेंट है ठीक है यानी कि टोटल पूरा हंड्रेड परसेंट हिस्सों में यानी कि टोटल जो हिस्से हैं वो हंड्रेड परसेंट है समझिए हैं ठीक है अब उस हंड्रेड परसेंट में से ट्वेंटी फाइव परसेंट आसिफ का है और फोर्टी फाइव परसेंट मजहर का है और हसन का थर्टी परसेंट है ठीक है सो थर्टी ट्वेंटी फाइव एंड फोर्टी फाइव को अगर आप ऐड कर देंगे तो ये पूरा हंड्रेड परसेंट आ जाएगा अब इनकी कुछ यहाँ पर बैलेंस शीट जो है हमें गेविन है ठीक है और इसके साथ हमारे पास कुछ तीन एंट्रीज भी गिवन है ठीक है यहाँ से लेके पूरी ये जो हमारी बैलेंस शीट आ रही है ठीक है हमारे पास कैश है अकाउंट रिसबल है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है और लैंड एंड बिल्डिंग है ठीक है और यहाँ पर हमारे पास अकाउंट पेबल है एज ए लाइबिलिटी और फिर हमारे पास इन तीनों के कैपिटल्स हैं ठीक है जो कि सिक्स लेख एटी फोर थाउजेंड सेवन लेख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड और फोर लेख फिफ्टी थाउजेंड है ठीक है अब पहले हमने देखना है कि ये कौन से मेथड से सॉल्व होगा आया या गुडविल मेथड से होगा बोनस से होगा या रीवेल्यूएशन हो से होगा ठीक है अब देखें सिंपल मेथड में सिंपल ये गिवन होता है कि जितने का उन उसका कैपिटल है उसको उतने पैसे मिल गए दैट सिंपल ठीक है या अगर परचेस मेथड होगा तो उसमें वहां से लिखा हुआ होगा कि इस जो रिटायर्ड पार्टनर है उसने कोई उस, उस उसका हिस्सा जो है किसी ने परचेज कर लिया है किसी पार्टनर ने या किसी अलग बंदे ने परचेज कर लिया है ठीक है फिर आते हैं ट्रांसफर मेथड जिसमें हिस्सा जो है ट्रांसफर हो जाता है ठीक है इसमें क्या होता है जो रिटायर्ड पार्टनर होता है या तो फिर उसका हिस्सा ट्रांसफर होकर उसके बेटे को मिल जाता है या बेटी को या तो फिर उसकी बीवी को ठीक है या फिर किसी और बंदे को जिसको इसने ट्रांसफ़र किया हो ठीक है तो बोनस और गुडविल मिल तो हमें पता है कि भाई साफ लिखा होता है कि गुडविल से से करो या से करो या बोनस तो लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रीशियट बाई ट्वेंटी टू बी रिड्यूस बाईट थाउजेंड ठीक है, कुछ है।, है कि doubtful, 8, 000, अब देखो यहाँ पर ये जो डेटा यहाँ लिखा हुआ है क्लियरली शो कर रहा है कि हमारी जो अकाउंट रिसीबल्स हैं उसमें भी अफेक्ट होना है ठीक है और हमारे हमारा जो लैंड और बिल्डिंग जो है वो अप्रीशिएटेड हो गई है यानी कि ये अकाउंट है वो अप्रीशिएटेड हो गई है ट्वेंटी परसेंट से बढ़ गई है ट्वेंटी परसेंट से सो so, इसमें भी अफेक्ट होना है तो ये तमाम चीजें जो है वो रिवेल्यू होंगी तो जिसकी वजह से हम ये क्वेश्चन रीवेल्यूएशन मेथड से करेंगे ठीक है तो चले आए हम इसे करते हैं और फिर हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है उसमें लिखा है कि भाई हमें जर्नल जल जर्न एंट्री बनानी है और रिवेल्यूशन मेथड में हम जर्नल जनल इंट्री हमारी बनाते हैं ठीक है तो चलें अब हम इसे करते हैं ठीक है तो सबसे पहले हमारी जो सबसे पहली एंट्री बनेगी उसमें हम अकाउंट टेन परसेंट जो है अकाउंट रिसबल का वो एस्टिमेट करेंगे टू बी एस डाउटफुल ठीक है अब अकाउंट रिस हमारा कितना है टू लेख सेवेंटी थाउजेंड ठीक है टू लेख सेवेंटी थाउजेंड का टेन परसेंट इज़ अ डाउटफुल डेट ठीक है अनकलेक्टेबल जिसे हम कहते हैं जिसको हम कलेक्ट जिस जो डाउटफुल डेट बेसिकली वो अकाउंट होता है जो जिसके बारे में हम डाउटफुल हो कि ये हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा ठीक है तो अगर हमें तो थोड़ा भी डाउट होता है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा तो हम इसके लिए एक अलग सा अलग अकाउंट बना लेते हैं और उसको एज अ एक्सपेंस नोट कर लेते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में और इसके अगेंस्ट जो हम दूसरी एंट्री बनाते हैं वो कहते हैं अलाउंस फॉर बेड डेट्स ठीक है जो कि एट दी एंड हमारे अकाउंट डिसिबल में से माइनस हो जाती है और फिर हमारे अकाउंट डिसिबल को अफेक्ट करके उस, उसकी उसकी जो माइनस uh, शुदा जो रकम है वो हमारे पास आ जाती है बैलेंस शीट में ठीक है तो अब हमें हमने यहाँ पे अपना कैलकुलेटर निकाल लिया ठीक है तो हम टू सेवेंटी टू टू लैक सेवेंटी थाउजेंड का टेन परसेंट देखेंगे कि कितना होता है ठीक है मल्टीप्लाई कर दिया टेन और परसेंटेज की साइन लगा ली सो दिस इज जीरो बेसिकली ये डेसिमल में शो करा मेरा कैलकुलेटर दिस इज़ टेन परसेंट जब मैं इसको इक्वल टू करूँगा तो मेरे पास आ गया ट्वेंटी सेवन थाउजेंड ठीक है दैट इज़ दिन परसेंट ऑफ टू लेख सेवेंटी थाउजेंड ठीक है टेन परसेंट ऑफ टू लेख सेवेंटी थाउजेंड इज ट्वेंटी सेवन थाउजेंड ठीक है तो यानी कि ट्वेंटी सेवन थाउजेंड में एज अ डाउटफुल डेट एक्सपेंस निकालूंगा ठीक है या बैड डेट्स एक्सपेंस जिसको हम कहते हैं वो ट्वेंटी फोर थाउजेंड निकालूंगा ठीक है और इसके लिए इसको रिकॉर्ड करने के लिए मैं उसको एज अ मान लूँगा कि ये ऑलरेडी अनाउंसड में चला गया है तो ठीक है क्योंकि हम यहाँ पे रीवेल्यूएट कर रहे हैं ठीक है तो जिसके वजह से मैं एक और अकाउंट खोलूँगा जिसको मैं नाम दूँगा रीवेल्यूएशन का ठीक है तो उसमें मैं अलाउंस वर्ड री वैल्यूएशन ट्रेडिश क्योंकि चूँकि ये बेडेट्स जो है वो हमारा एक्सपेंस है तो वो रीवेल वो जो अकाउंट रिसीवेबल्स को घटा रहा है ठीक है ये और रीवैल्युएशन जो है वो एज अ रेवेन्यू अकाउंट की तरह एक्ट करता है ठीक है क्योंकि आखिर में हमारे पास रिवैल्युएशन गेन और लॉस या गेन आता है या फिर लॉस आता है तो वो जो है वो एज अ रेवेन्यू अकाउंट की तरह एक्ट करता है ठीक है यानी कि जब भी वो डेबिट साइड पे आता है तो वो कम होता है माइनस में होता है और जब भी वो क्रेडिट साइड पे आता है तो वो प्लस में होता है ठीक है अब बेडेड एक्सपेंस चूंकि हमारे एक एसेट को घटा रहा है तो उसका मतलब कि रिवेल्युएशन पे यहाँ पर हमें लॉस हो रहा है ठीक है तो इसको हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे डिवेल्यूएशन को और क्रेडिट साइड पर अलाउंस फॉर बेड डेट रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि अलाउंस फॉर बेड डेट जिस ये जो कि ये टोटल बेड डेट्स एक्सपेंसेस का अक्यूमुलेटेड अकाउंट होता है जो कि एट द एंड ऑफ द मंथ और ईयर हमारे अकाउंट रिसिबल में से लेस हो जाता है और फिर हमारे पास अकाउंट रिसेबल की एक्यूरेट वैल्यू आ जाती है कि जो हमें अकाउंट अनकलेक्टेबल जो हमारे कलेक्ट होने हैं ठीक है तो उसकी पहली एंट्री कुछ इस तरह बनेगी कि हम रिवेल्यूएशन को हम डेबिट कर देंगे क्योंकि रिवेल्यूशन कम हो रहा है और अलाउंस और बैड डेट को हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि ये हम अलाउंस निकाल रहे हैं और फिर ये नेक्स्ट मंथ जो दूसरा अलाउंस निकलेगा वो दोनों अलाउंस अक्यूमलेटेड हो जाएंगे ठीक है तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि हमने एंट्री बना ली रिवेलुएशन ठीक है ट्वेंटी थाउजें ट्वेंटी टू लेकर निकाला तो हमारे पास ट्वेंटी सेवन थाउजेंड आ गए ठीक है और लाउस बेड बैड इसके अगेंस्ट हमने रिकॉर्ड कर लिया ठीक है तो वो भी ट्वेंटी सेवन थाउजेंड से ठीक है टू तो रिकॉर्ड द बैड तो टू रिकॉर्ड द बैड डेट ठीक है अब हम आ, दूसरी यहाँ पे एडजस्टिंग पढ़ते हैं ठीक है लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाई ट्वेंटी परसेंट हमारे जो लैंड और बिल्डिंग है जिसकी जो वैल्यू है वो वन लाइक सॉरी दिस इज फिफ्टीन लैक है ठीक है जिसकी वैल्यू फिफ्टीन लैख है और वो और ज्यादा अप्रीशिएट हो गई ट्वेंटी परसेंट से यानी कि फिफ्टीन वो, वो, वो लाख का ट्वेंटी परसेंट निकालेंगे और फिर जो भी हमारे पास अमाउंट आएगी उसको हम ऐड कर देंगे फिफ्टीन लैख से ठीक है तो सबसे पहले हम फिफ्टीन लैख का ट्वेंटी परसेंट निकालते हैं ठीक है थीके? उसका भी ट्वेंटी परसेंट इज ऐसे ही निकलेगा तो ये आ गई थ्री लैख यानी कि फिफ्टीन लाख में अब आप ऐड कर दोगे थ्री लैक्स को प्लस क्योंकि ये जो है हमारे थ्री लैक्स है इसकी जब हमने रीवैल्यूएशन की तो ये थ्री लैक्स है इसकी जो न्यू वैल्यू है वो बढ़ गई ट्वेंटी परसेंट से यानी कि थ्री लैक्स से बढ़ गई ठीक है तो हमारी जो न्यू वैल्यू है वो है वन और सॉरी एटीन लैख ठीक है एटीन लैख दिस इज द न्यू वैल्यू ऑफ आर बिल्डिंग एंड सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग ठीक है सो so, अब इसकी एंट्री किस तरह बनेगी इसकी भी हम देखिए रिवेल्यूशन मेथड में हम रिवेलुएशन की एंट्री जरूर बनाते हैं ठीक है क्योंकि हमें एंड में मालूम करना होता है कि इधर हमें रिवेल्युएशन हमारे जो एसेट्स जो भी रिवेल्युएट हुए हैं उनपे हमें गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है ठीक है गेन होगा तो सबको हर पार्टनर को हर पार्टनर को अपना अपना मतलब गेन वाला हिस्सा मिलेगा ठीक है अगर इन द केस अगर लॉस हुआ तो हर पार्टनर को अदा करना पड़ेगा एज अकॉर्डिंग टू देयर शेयर ऑफ कैपिटल या शेयर ऑफ रेशियो या परसेंटेज विच हैव बीन असाइंड टूवर्ड्स ठीक है सो लैंड और uh, ये जो है वो हमारी एटीन लैक्स एंट्री बनेगी लैंड एंड बिल्डिंग हमारी चूंकि बढ़ रही है तो उसको हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे और रिवेल्यूएशन चूंकि बढ़ रहा है तो उसको भी हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे ठीक है तो हमारी कुछ एंट्री इस तरह बनेगी ठीक है लैंड एंड बिल्डिंग जो कि वन लाइफ फिफ्टीन थाउजेंड बढ़ो ट्वेंटी परसेंट करो तो थ्री लाख से बढ़ रही है ठीक है और रिवॉल्यूशन भी हमारा थ्री लाख से यहाँ पर बढ़ जाएगा ठीक है अब मैंने थोड़ी देर पहले गलती से बोल दिया था कि हम एटीन लैख्स एंट्री बनाएंगे एटीन लैक्स हम एंट्री नहीं बनाएंगे ठीक क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो है हमारे पास फिफ्टीन लाख रिकॉर्ड हो गए अगर मैं यहाँ पर एटीन लैख से एंट्री बनाऊंगा तो ये एटीन लैख एडअप हो जाएंगे हमारे फिफ्टीन लैख से और हमारे अकाउंट में जो है बहुत बड़ा ब्लेंडर हो जाएगा ठीक है सो हमें वो ब्लेंडर को अवॉइड करना है तो जिसकी वजह से हम एटीन लैख से एंट्री नहीं बनाएंगे ठीक है हमने देखना है कि भाई कितनी आ, कितने अमाउंट से बढ़ा ठीक है तो थ्री लैख से बढ़ गया अब अब हमारा जो नेक्स्ट uh, एडजस्टिंग है वो है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री टू भी रिड्यूज बाट थाउजेंड ठीक है रिड्यूस हुई है एट थाउजेंड से तो अब हमारे जो uh, इसको मर्चेंडाइज इवेंट्री को हम रिड्यूस कर देंगे और मर्चेंडाइज मर्चेंडाइजेंट्री एज आ एसेट जब भी क्रेडिट साइड पर आता है तो वो कम होता है तो मर्चेंडाइज इवेंट्री को हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे और रीवाल्यूशन एज आई रेवेन्यू uh, जब भी डेबिट भी, साइड uh, पे आता है तो वो कम होता है ठीक है तो रेवेन्यू भी हमारा कम हुआ क्योंकि एसेट कम हुआ तो जाहिर सी बात है एसेट को जब बेचेंगे तो उतना रेवेन्यू हासिल नहीं कर पाएंगे तो जिसकी वजह से रेवेन्यू कम हो गया तो इसकी एंट्री हम कुछ इस तरह बनाएंगे कि मर्चेंडाइज एंट्री को हम क्रेडिट uh, कर देंगे क्योंकि एज एस एसेट जब भी, भी कम होता है तो वो हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं और रेव रिवेल्यूएशन को हम डेबिट कर देंगे एट थाउजेंड से ठीक है तो कुछ हमारी uh, इस तरह एंट्री ये बन जाएगी जैसा कि आप ये देख रहे हैं ठीक है एट थाउजेंड और एट थाउजेंड दोनों साइड पे रिकॉर्ड हो गए अब हम रिवेल्यूशन को हम देखेंगे कि इधर वी हैव वी हैव अक्वायर्ड गेन ऑन रिवेल्यूशन और लॉस ठीक है सो गेन की सूरत में हम वो जो जितना भी गेन हुआ है वो सब पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और लॉस की सूरत में हम जितना भी लॉस हुआ है वो पार्टनर बढ़ेंगे अपने अपने रिस्पेक्टिव हिस्से के हिसाब से ठीक है जो भी उनके आ, जो भी उनका बिजनेस के अंदर हिस्सा डला हुआ है किसका फिफ्टी परसेंट फोर्टी फाइव परसेंट ट्वेंटी परसेंट थर्टी परसेंट ठीक है उसके हिसाब से वो अपना अपना लॉस जो है उसकी भरपाई करेंगे या तो फिर आ, या जो भी उनको खसारा हुआ है उसकी उनकी जो है भरपाई करेंगे या तो फिर उनको जितना भी गेन हुआ है अपने एसेट को एसेट की रीवेल्यूएशन पे उस पर उनको जो है अपने कैपिटल्स में इजाफा इंजॉय करेंगे ठीक है सो ये किससे पता चलेगा अब मैंने आपको बताया कि आ, हमारे जो री है वो एज अ रेवेन्यू की तरह रिएक्ट करता है ठीक है तो री को यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये कहाँ कहाँ आया है पहले तो री जो है वो हमारा डेबिट साइड पे आया है कितने से ट्वेंटी सेवन थाउजेंड पर से माइनस में रिकॉर्ड कर लो ट्वेंटी सेवन थाउजेंड को ठीक है फिर उसके बाद ये जीरो माइनस क्यों आ रहा है भाई ओके ऐसे okay, आने देते हैं ट्वेंटी सेवन थाउजेंड ठीक है ये माइनस में बेसिकली ट्वेंटी सेवन थाउजेंड हमारा अब हमारे पास रिवोल्यूशन यहाँ पर प्लस में आया हुआ है क्योंकि रिवोल्यूशन जब भी क्रेडिट में है साइड पे हम नोट करते हैं तो उसका मतलब कि रिवेल्यूएशन बढ़ रहा है यानी कि जो भी इसके अगेंस्ट जो भी हमने एसेट रिकॉर्ड किया है उसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है ठीक है तो रिवेल्यूशन यहाँ पर थ्री लैक्स से बढ़ रहा है तो हम थ्री लैक्स को प्लस में ऐड करेंगे ठीक है तो ये हमने इसे ऐड कर लिया अब उसके बाद जो है हमारी रिवेल्यूएशन फिर से यहाँ पर कम हो रहा है कितने से एट से तो हमने इसको एट से कम कर दिया ठीक है तो ये बन के हमारे टू लैख सिक्सटी फाइव थाउजेंड ठीक है अब ये टू लैख सिक्सटी फाइव थाउजेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पार्टनर्स में एज अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल ये कुछ इस तरह देखें आसिफ का कैपिटल चूंकि यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखें तो वो ट्वेंटी फाइव परसेंट हिस्सा रखता था तो उसको ट्वेंटी फाइव परसेंट के हिस्से से मिलेगा ठीक है टू सिक्सटी फाइव का जब हम ट्वेंटी फाइव परसेंट निकालेंगे सो इट वुड बी सिक्सटी सिक्स थाउजेंड टू फिफ्टी ठीक है इसी तरह हम मज़र के कैपिटल का हिस्सा देखेंगे कि वो वो जो है फोर्टी फाइव थाउजेंड था तो सिक्स और टू लैख सिक्सटी फाइव थाउजेंड फोर्टी फाइव परसेंट निकाला तो वन लैख नाइन्टी थाउजेंड टू फिफ्टी और इसी तरह हम हसन का भी केस सॉल्व करेंगे ठीक है इसका थर्टी परसेंट है तो उसका थर्टी परसेंट सेवेंटी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड निकला ठीक है और हमने यहाँ पर गेन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया देखो जब भी कैलकुलेटर में जो आखिरी में जो अमाउंट है आपके माइनस प्लस करने के बाद रीवैल्यूएशन की तो वो बताती है कि इधर यू हैव रिसीव्ड गेन और योर रिवेल्यूशन ऑफ़ योर एसेट्स और यू हैव अकर्ड लॉस ठीक है सो दोनों सूरत में आपको आपकी कैलकुलेशन बता देगी क्योंकि आपकी जो एंड में जो रकम होगी वो तो या तो अगर माइनस में आएगी तो आपने समझ जाना है कि लॉस हुआ है और अगर प्लस में आ गई जैसे यहां पर आई हुई है तो उसका मतलब कि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है ठीक है अब हमारी सिंगल एंट्री अब हमारी लास्ट एंट्री में जो है हम हमारे आ, वाई जो रिटायर्ड हो रहे हैं कौन हो रहे हैं Just, is, interest is तो हमें पता चल गया कि भाई हसन रिटायर हो रहा है ठीक है तो हसन का कैपिटल कितना है यहाँ पर फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड ठीक है यहाँ ये हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड ठीक है 4, 50, 000, अब देखेंगे कि भाई हसन का कैपिटल रिवॉल्यूशन के गे गेन होने पर कितने से बढ़ गया तो रिवॉल्यूशन के गेन होने पर हसन का जो कैपिटल है वो कितने से बढ़ा सेवेंटी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड से ठीक है तो हमने ही ये कैपिटल में ऐड कर दिया सेवेंटी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है तो अब उसका हसन का जो न्यू कैपिटल है वो फाइव लैख ट्वेंटी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड है ठीक है तो हम अब इसकी एंट्री इस तरह रिकॉर्ड कर देंगे ठीक है फाइव लेख ट्वेंटी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड और उसको हसन के कैपिटल को जो कि ट्रांसफर कर देंगे मज़र की कैपिटल में क्योंकि यहाँ पर uh, लिखा हुआ है साफ कि अगर आपने अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गौर से पढ़ें तो यू कैन सी दैट देर इज समयर आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट हसन सोल्ड टू चायर हसन ने अपना इंटायर इंटरेस्ट यानी कि एंटायर अपना जो हिस्सा है वो उस मज़र को सेल कर दिया सोल्ड कर दिया सॉरी ठीक है तो मज़र को हमने यहाँ पे कैपिटल बढ़ा दिया जब भी कैपिटल जो है क्रेडिट साइड पे होता है तो हमेशा बढ़ता है ठीक है और हसन की कैपिटल हमने पूरा जो भी उसका जो टोटल कैपिटल आ रहा था हसन का After after the the uh, gain on, uh, revaluation or after distributing the gain on revaluation re of asset, तो वो पूरा का पूरा वो कैपिटल में उठा के डेबिट कर दिया ताकि यही शोक हो रहा है कि भाई हसन ये show कर रहा है कि हसन जो है वो फाइनली रिटायर्ड हो गए हैं ठीक है तेके? तो इसी के साथ ही थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़